गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम डॉक्टर गुरदीप सिंह सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट मणिपाल हॉस्पिटल पालम विहार गुड़गांव टुडे आई एम हेयर टू गिव यू अ स्मॉल टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ बोन ट्रांसपोर्ट एंड बोन लेंथनिंग यूजिंग द मोनोरेल और इलीजर ऑफ टेक्निक कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी हड्डी काफ़ी बार ऑपरेट होने की वजह से जुड़ी नहीं होती छोटी हो गई होती है उसमें गैप आ गया होता है ये कई बार एक्सीडेंट में या इन्फेक्शन में बोन लॉस हो जाता है जिसमें काफ़ी एरिया ऑफ बोन मिसिंग होता है ऐसे केसेस में बोन ट्रांसपोर्ट या लिम लेंथनिंग सर्जरी ही उस लिम को बचाने में कामयाब होती है सो व्हाट एग्जैक्टली इज डन इन दी सर्जरीज एक प्रिंसिपल होता था एलिजरोफ जिसमें बोन को डिस्ट्रैक्ट करके लंबा करते थे अब उसी टेक्निक को मोनोरेल की टेक्निक से भी किया जाता है एलिजरोव और मोनोरेल में ये डिफरेंस है कि एलिजरोव में एक सर्कुलर फ्रेम होता है जो टांग के चारों तरफ लगा हुआ होता है जबकि मोनोरेल में सिर्फ एक तरफ एक फ्रेम लगा होता है प्रिंसिपल सेम होता है बट फ्रेम इज मच लेस इन वेट एंड मच ईजियर टू ऑपरेट फ्रॉम द पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू हड्डी में एक आर्टिफिशियल कट या आर्टिफिशियल फ्रैक्चर किया जाता है कुछ दिन बाद आठ से चौदह दिन बाद उसके अंदर हम लेंथनिंग का प्रोसीजर या बोन ट्रांसपोर्ट का प्रोसीजर शुरू करते हैं इसमें हर रोज़ दिन में चार बार एक नट को घुमाना होता है जिसके वजह से हड्डी एक मिलीमीटर पर डे लेंथन होती है सो तो जितना हमारा गैप है अस सपोज इट इज़ फाइव सेंटीमीटर सो फाइव सेंटीमीटर मतलब पचास मिलीमीटर mm, मतलब पचास दिन के करीब का टाइम लगता है उस गैप को ट्रांसपोर्ट करके फिल करने में या अगर आपको लेंथनिंग करनी है पाँच सेंटीमीटर तो पाँच सेंटीमीटर के हिसाब से पचास दिन का टाइम लगता है उस हड्डी को लंबा होने में उसके बाद ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टाइम सो पचास दिन है तो लगभग सौ दिन के करीब का टाइम चाहिए होता है उस हड्डी को स्ट्रॉन्ग होने के लिए ताकि आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप उस पर वज़न डालकर चलवा सके पेशेंट को सो ये प्रोसीजर स्पेशलाइज सेंटर्स में ही होता है दिस इज़ अ स्पेशलाइज टेक्निक विच वी आर रूटीनली डूइंग एंड दिस इज़ यूजफुल इन टेक्निक्स जिनमें पेशेंट बहुत बार सर्जरी ऑलरेडी करवा चुका है लेकिन अभी भी हड्डी जुड़ने में दिक्कत दे रही है इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है बीच में बोन लॉस है या एक टांग छोटी बड़ी है जिस केस में हम दोनों टांगों की लंबाई को भी इस टेक्निक से बराबर कर सकते हैं सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ बोन ट्रांसपोर्ट एंड लिम लेंथनिंग using a laser off or monorail technique thank you